प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, डेट इज रियल नंबर का टेस्ट। इससे पहले 3 वीडियोस इस चैप्टर पे और हैं, जिसमें आपको सबसे पहले समरी समझाई गई हुई है, एंड आफ्टर दैट 2 वीडियोज और हैं जिसमें हमने क्वेश्चन किया हुआ है चैप्टर बेस्ड टर्म 1 के लिए। नाउ वी आर डूइंग टेस्ट फॉर डेट चैप्टर, और इसमें भी 15 क्वेश्चन हैं। आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और करते रहिए, और अगर आप सही कर रहे हैं तो एक एक मार्क्स देते जाइए। लेट्स स्टार्ट। फॉर सम इंटीजर n, द ओड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। अगर मान लीजिए आपको ओड इंटीजर चाहिए, ओड का मतलब 3, 5, 7, 9, इस तरीके से इंटीजर चाहिए ओड नंबर्स वाले, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n आपने मान लीजिए सबसे पहले 1 रखा, उसके बाद n की जगह 2 रखा, तो ये 2 फिर यहां मिलते ही आपको क्या मिल गया, इट इज एन इवन नंबर, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाउ कम एट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, n प्लस 1, मान लीजिए n की जगह 1 रखा, फिर आपने 1 ऐड किया, अगेन यू आर गेटिंग इवन नंबर, तो ये भी एक सही जवाब नहीं है। सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन में क्या कहता है, 2n प्लस में 1। अब कोई भी नंबर है, यदि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ऑलवेज एन इवन नंबर, और इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा ओड नंबर। चेक करके देख लीजिए, एन है तो एन को मान लीजिए आपने 6 रखा, 6 × 2 करेंगे आप क्या मिलेगा आपको, 12 n + 1 13, तो ये आपका क्या गया, एन ओड इंटीजर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यदि आपका ये सही है और आप सही सोच रहे थे, तो यू कैन गिव 1 मार्क्स टू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है इसमें से, ये इरेशनल है क्या, यस। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है और उसमें आप इरेशनल नंबर जोड़ रहे हैं, तो यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। ये जो ऑप्शन सी है, ये आपके क्वेश्चन के जवाब को सही ठहराता है। सी में देखिए क्या आएगा, 3 + 7 3 - 7, मीन्स आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a + b and a - b, जिसका होता है a² - b² दिस इज स्केयर, a² - b² जब इसको आप ओपन करेंगे तो 3 का स्केयर कितना होगा, 9, एंड √7 का 7, एंड यू विल गेट 2 इज रैशनल नंबर, तो इसलिए सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 196 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से डिवाइड कीजिए, 9, और यहाँ पे क्या आएगा, 8, 2 4, और यहाँ पे क्या आएगा, 9, देन 7 7, एंड देन 7 1 जा 7, ठीक है। तो व्हेन यू आर राइटिंग 196 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 196, तो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, एंड 7 कितनी बार आ गया, 2 बार, एंड इज आस्किंग दैट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं, इसके जो एक्सपोनेंट है उसका सम कितना है, तो 4 है। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, देख लीजिए 2x² लिख दिया आपने, तो ये जो पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, और ये क्या रहा है, उनका सम कितना है इसका 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 37/50 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वी सोल्व द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का सबसे पहले आप क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 50 का क्या होगा, 2 से कीजिए 25, फिर किसे जाएगा, 5 से, 5 5 जा एंड 5 5 एंड देन 1, तो 50 का जो आपका डिनोमिनेटर आया है वो क्या है, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, तो देखिए 5 5 जा 25 एंड 2 25 2 कितना आ गया आपका, 50। तो इसमें आपको बताना है इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n होता है, इसमें आपको देखना रहता है कि किसकी पावर हाईएस्ट आई हुई है। 2 की अगर आई होती हाईएस्ट तो हम कहते उतने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 आई हुई है, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। यदि आपको इसका कंसेप्ट जानना है तो प्लीज गो एंड वॉच द समरी ऑफ दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8।
व्हेनेवर ही इज आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर बोले, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको हमेशा यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ. क्या निकालना है आपको? एचसीएफ, ये ध्यान कर लीजिए. और आपको डिटेल समझना है तो यू हैव टू वॉच द समरी. तो ये कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125. तो क्या करेंगे आप? जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट कीजिए, 70 में से 5 माइनस कीजिए, आपका आएंगे 75, एंड 125 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 711. नाउ टेक द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स. जब इन नंबर्स का आप एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा बताइए तो जरा, कैसे आप एचसीएफ ले सकते हैं? 65 है जो, 65 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो 65 का जो एचसीएफ होगा डेट विल बी 5 × 13, 13 × 5, और 117 का कितना होगा? 13 × 9, 39 सर 117 होते हैं. नाउ फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ इसका क्या आएगा? द एचसीएफ विल बी 13, जो दोनों में कॉमन हो और पावर क्या हो? कम. अगेन यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम, यू विल हैव टू वॉच द समरी ऑफ दिस वीडियो. तो इसका सही जवाब क्या आ गया आपका? 13 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दो बार 5 आ गया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, नो प्रॉब्लम. द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर, आपको ये आंसर नंबर 5 है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए क्या आएगा. प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आप एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर का क्या मतलब है? जो मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड एन इरैशनल नंबर, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 6, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 एंड 2 to the power 2 एंड 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5 क्या आएगा? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो ऊपर दिया हुआ है, इज इट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर, तो ये कितना होगा? देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या? ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 129 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 आ गया, और ये कितना हो जाएगा? 12 में 7 जाए 5 और 9, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मींस जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ये और किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 तो कोई ऐसा नंबर नहीं है नीचे जो इसको डिवाइड करे. तो अब हमें ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर 2 to the power m एन एन की फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ना 7 की पावर 5, ये इस नंबर को टर्मिनेट नहीं होने देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा. तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्या नंबर टर्मिनेट हो रहा है और नॉन रिपीट हो रहा है? तो एग्जैक्टली इसका सही जवाब क्या आएगा आपका? सी, बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, एंड नॉन रिपीटिंग भी होगा ये नंबर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 7. 3 bells ring once every 12 minutes, 20 minutes and 36 minutes respectively. If all of them ring together at 6:30 a.m. then at what time will they ring together for the next time on the same day morning? कह रहा है कि 3 bells हैं, एक 12 मिनट, एक 20 और एक 36 मिनट के बाद अंतराल पर बज रही हैं. शुरू में उनको एक साथ जब बजाया गया, द टाइम वॉज 6:30, 6:30 हो रहे थे, एंड फिर से कब वो समय आएगा जब तीनों एक साथ बजेंगी? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 3 बंदे हैं स्टेप्स उठा रहे हैं शुरू में एक साथ, उसके बाद कब एक साथ मिलेंगे, चाहे आप रेस लगा रहे हैं तो कब टर्म आएगी कि जब दोनों बंदे एक दूसरे के पैरेलल होंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. क्या निकालेंगे आप? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एलसीएम देख लीजिए, 12, 20 और 36 का क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12. 12 का क्या होता है? 3 × 2 × 2, समझ रहे हैं आप? तो 2 की पावर 2 × 3 आ गया. अब आ गया आपका 20, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करो तो 2 × 2 = 4 × 5, 2 की पावर 2 आ गई, और यहां पे क्या आ गया? 5, 2 की पावर 2 एंड 5. देन 36, 36 कैसे आएगा? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 36? 3 × 3 = 9, और 9 और 9 चौके 36, तो 2 की पावर 2. तो ओवरऑल क्या बन गया ये? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2. अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम आप जानते हैं, तीनों में कॉमन होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट.
विच हैव द हाइएस्ट पावर, दो की पावर यहां पे भी दो है, यहां पे भी दो है और यहां पे भी दो, टू टू द पावर टू तो आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो जरा फिर से, कोई कॉमन नंबर है, कॉमन है लेकिन थ्री यहां पे है और एक यहां पे है, तो इन दोनों थ्री में से हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, और जो रिमेनिंग है वो भी हम लिख लेते हैं व्हेन वी आर टेकिंग द एलसीएम। तो क्या आ गया आंसर आपका, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नाइन जा 180, क्या आ गया 180, यानी 180 मिनट्स है ये, ये क्या आ गया आपका मिनट्स। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, यू विल डिवाइड इट बाय 60, तो ये कितना आ गया 3 आवर्स, क्या आ गया 3 आवर्स। तो 3 घंटे के बाद फिर से ये सारे बेल्स एक साथ बजेंगे, तो 3 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, अभी 6:30 और आफ्टर 3 आवर्स इट विल बी 9:30, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बात समझ में आ गई, जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली टेक द एलसीएम और आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 12 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। फिर से यही क्वेश्चन आ गया एलसीएम, वेरी गुड, एलसीएम इसका फाइंड आउट कीजिए एंड टेल मी द आंसर, क्या आएगा आंसर इसका, 1 आवर आएगा या 2 आवर आएगा या 1.5 आवर आएगा आफ्टर 30 मिनट्स। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, बिकॉज आई नो द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिंसियर, सिंसियरिटी से कर रहे हैं, नोटबुक पेन के साथ बैठकर कर रहे हैं, तो आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ मर्चेंट 120 हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल वन काइंड, 180 ऑफ द सेकंड काइंड एंड द थर्ड काइंड हैज 240 है, ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन्स। उसको ऑयल फिल करना है तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या आगी, यहां पे मैक्सिमम आ गया, अभी आपको मैंने टर्म बताई कि मैक्सिमम लिखाओ, हाईएस्ट लिखाओ, ग्रेटेस्ट लिखाओ या लार्जेस्ट लिखाओ, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। देखो भाई ये मंत्र है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो एचसीएफ जरा निकालिए, तो 120 और 180 का कैसे आएगा, तो यू कैन डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, 120 बाहर रखो और 180 अंदर करो, तो 120 आ गया, यू विल गेट 60 एंड 120 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 में, तो ये कितना आ गया 60 इज द एचसीएफ, 60 इसका क्या आ गया एचसीएफ। इसका निकालने के बाद इस नंबर से जब अगेन 240 को करेंगे, मैं यहां कर देता हूं, देखो 240 आ गया और जो आंसर आया था एचसीएफ आया था उससे जरा डिवाइड कीजिए, 60 आया था ना, ये कितने में जाएगा 4 में चला गया, तो इसका मतलब क्या आ गया 60 इज एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, 60 ऐसा मैक्सिमम हाईएस्ट कैपेसिटी वाला जो टीन उसका जो कैपेसिटी वाला है जो इसको क्या करेगा इक्वली अमाउंट ऑफ ऑयल उसमें से निकालेगा, तो सो 60 सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका सही जवाब है। नाउ 8th क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं जहां दो वैल्यूज दी हुई है, 3, 7 जा 21, यहां पे 21 ही आएगा, क्यों, दीज आर द प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर का जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है वही नंबर आता है, सिंपली विल मल्टीप्लाई, तो ये 21 आ गया। अब अगेन दिस इज इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 7 आएगा, इसका करेंगे तो 2 × 2 आएगा, तो अगेन हम विल सिंपली मल्टीप्लाई एंड विल गेट आवर आंसर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 × 4 कितना होता है 84, देखिए ऐसा कुछ आंसर है क्या, x 21 एंड y 84, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। फिर से क्या निकालना है आपको, जरा देख के बताओ, यस यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ, तो 52 और 91 का आप निकाल दीजिए, तो ये किससे जाएगा 13, जरा 52 का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 13 × 4 = 52, तो 3 × 4 और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहां पे लिख लीजिए जरा 52 इज 13 × 2 की पावर 2 और 91 क्या होता है 13 × 7, तो इसका आपको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर कम वाली, तो 13 की पावर 1, उसके बाद दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सो 13 इज द राइट आंसर, 13 मीटर पर मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट
ये यूनिट आप देख लेना किलोमीटर है, देर मस्ट बी किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इलेवेंथ, अजर्सन 29625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? हम जब डिनोमिनेटर लेंगे और 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किसकी टर्म्स में आएगा? 5 की टर्म्स में आएगा। यस, इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सही बात है। और कह रहा है इफ क्यू, जैसे p बाय q लिखते हैं ना, तो जो डिनोमिनेटर है डेट मस्ट बी 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, वेयर m इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऑफ कोर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इस प्रकार का केस होता है जिसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्मेट में होता है, n की फॉर्मेट में होता है, तभी ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो ये सही जवाब है, बोथ a एंड r आर टू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन a। तो इसका सही जवाब क्या आएगा आपका? a इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो 15 मिनट की होगी, हार्डली मैटर्स, क्योंकि हम ये जो 15 मिनट लगा रहे हैं तो यूजफुल भी तो है। अजर्सन क्या कह रहा है? 3 इज अ रैशनल नंबर, सही बात कह रहे हो भाई तुम तो। रीजन क्या कह रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। अच्छा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने लिख दिया और उसको रूट में लिख दिया तो क्या इरेशनल नंबर होगा? मान ले 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, इरेशनल नंबर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं 4 लिख दूं तो, 9 लिख दूं तो, रूट 16 लिख दूं तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? नो, 4 का 2 3 और ये क्या गया? 4। सो ए वाली बात सही है, बी वाली बात गलत है। सो बोथ अजर्सन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए बात सही है और आर उसका गलत जवाब है। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो अब आंख बंद करके बताने का समय आ गया है, इनमें से कौन सा है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? यहाँ पे 17 ओवर 2 की पावर 3 आ गया, पहले वाले में 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 3, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सही जवाब है। और 105, 14 और ये 13 में से कोई सा भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बिकॉज इनकी 2 की पावर और 5 की पावर में डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 13 है, एलसीएम कितना आएगा? तो वी नो दो जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इंटू 169 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका एचसीएफ दिया हुआ है 13 एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, इसको यहीं पे छोड़ दो ना, एलसीएम वुड बी इक्वल्स टू 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 13, 13 टू जा और मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 टू जा 18, लास्ट में 8 आ रहा है और ये बस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड 6 आर टू पॉजिटिव नंबर, हमें दो नंबर दिए हुए हैं, n1 क्या है आपका? n1 इज a, n2 क्या है? n2 इज, नंबर 1 इज a, नंबर 2 इज 6। कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स है n, h, n, l, r, hcf एंड lcm। तो हम एक सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, hcf इंटू lcm, lcm वुड बी इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, the multiplication of both the numbers will be equal to their HCF and LCM। तो लिख लो ना जरा, HCF को इन्होंने क्या बोला है? H बोला है, LCM को क्या बोला है? L बोला है, and numbers are A and 6। ये कह रहा है कि वैल्यू निकालिए, तो हम A की जरा वैल्यू निकाल के देख लें क्या, A क्या रहा है? H L over में 6, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? HL, HL over 6, HL over 6, H की वैल्यू अगर निकाले तो A एंड B, आई थिंक यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, इसको आप B कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको B, A एंड B आर द टू पॉजिटिव नंबर्स, इसको B करेंगे, जब हम इसको B करेंगे तो इट वुड बी HL ओवर B, HL कहीं पे है, HL A की वैल्यू, HL ओवर में B, ये वाला जो ये वाला ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन, ये A इंटू B मीन्स दो नंबर्स का मल्टीपल और HCF और LCM का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपका फ्रूटफुल रहा होगा और आप अपने अगर स्कोर आए हैं तो जेन्युइन स्कोर है जो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स सी कि किसकी कितनी तैयारियां चल रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए और प्रेम ज्ञान चैनल से बने रहिए। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। थैंक यू।